देखकर वो सब एक साथ खुद ब खुद डरते हुए बोल पड़ते हैं, भक्षानर। 2 साल बाद अमावस्या की काली रात थी और उस काली रात में आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त बरस सकते थे। पर जब वो काले बादल काली बारिश की बूंदों के रूप में बरसेंगे तो वो काले पानी की बूंदें धरती को भी काले रंग में रंग देंगी अपनी काली शक्तियों के साथ। अमावस्या की काली रात में ही 3 पुलिस वाले चार्ली, जाटव और लखन बंगला मुड़ा घाट पर बैठकर शराब पी रहे थे। तीनों नशे में पूरी तरह धुत थे। उन तीनों के सिवा घाट पर कोई और नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक घाट पर सन्नाटा छाया हुआ था। जाटव नशे में कहता है, यार साला 4 क्वार्टर खाली कर दिए पर अभी भी ऐसा लगता है जैसे कुछ पिया ही ना हो। ये साला शराब का नशा चढ़ क्यों नहीं रहा है, कहीं ये शराब नकली तो नहीं। चार्ली झट से बोल पड़ता है, अबे जाटव शराब तो असली है पर तुझे नशा चढ़ेगा कैसे, तुझ पर तो पहले से ही कोई और नशा चढ़ा हुआ है। जाटव अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे नशा चढ़ा हुआ है और मुझे ही नहीं पता किस चीज का नशा चढ़ा है मुझ पर। चार्ली कुछ जवाब देता उससे पहले ही लखन बोल पड़ता है, जिस्म का नशा जाटव, आखिर यही तो सबसे बड़ा नशा होता है। चार्ली भी बोल पड़ता है, जा जाटव घर पर जा, भाभी तेरा इंतजार कर रही होगी, घर जाकर भाभी के साथ तेरा सारा नशा उतर जाएगा। जाटव मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं चार्ली यार मैं नहीं जाता घर, वो घर नहीं जेल है जेल, वहां पर तो एक पल भी चैन नहीं मिलता, वहां पर जाकर कहां मेरा नशा उतरने वाला है, और वैसे भी तेरी भाभी में अब वो बात नहीं रही कि वो मेरा नशा उतार दे। लखन अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए जाटव से बोलता है, तो फिर किसमें है वो बात, जरा हमें भी बता दे, हम भी उसी के पास चल देंगे तेरे साथ अपना नशा उतरवाने के लिए। जाटव बोलता है, वो बात है नहीं थी। लखन कहता है, थी मतलब? जाटव बोलता है, मतलब कि वो नशा उतारने वाली चली गई है। चार्ली झट से बोल पड़ता है, चली गई, कहां पर चली गई? जाटव जवाब देता है, अब कहां पर गई है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है वो जहां से आई थी वो वहीं पर चली गई है। लखन बोलता है, तू किसकी बात कर रहा है जाटव, ऐसी कौन सी फुलझड़ी है जो आई और चली भी गई जिसे हमने चखा तक नहीं। जाटव झट से बोल पड़ता है, फुलझड़ी नहीं, आग थी वो आग, अगर उसे चख लेता ना तू तो फिर किसी को चखने लायक नहीं बचता तू। लखन चिढ़ते हुए कहता है कौन वो, तू उसका नाम भी बताएगा या नहीं? जाटव जवाब देता है नहीं थी, वो यक्षिणी, मैं यक्षिणी की बात कर रहा हूँ। जैसे जाटव यक्षिणी का नाम लेता है, चार्ली यक्षिणी का नाम सुनकर ही घबरा जाता है, पर लखन उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। चार्ली जाटव से कहता है, तू पागल हो रहा है क्या जाटव, उस यक्षिणी का नाम क्यों ले रहा है, सारा मूड खराब कर दिया तूने उसका नाम लेकर, अभी अभी तो माहौल बना था। लखन मुंह बनाते हुए कहता है, ये तुम दोनों किस यक्षिणी की बात कर रहे हो, कौन यक्षिणी? जाटव कहता है, तू यक्षिणी को नहीं जानता क्या, तू कैसे यक्षिणी को जानेगा, तू इस गांव का थोड़ी है, तू तो शहर से आया ना लखन, तेरी तो अभी अभी इस गांव में पोस्टिंग हुई है। चार्ली डरते हुए कहता है, 2 साल पहले यक्षिणी इसी घाट पर भटका करती थी, इसी किश्नोई नदी के पास। लखन पूछता है, भटका करती थी पर क्यों? जाटव झट से बोल पड़ता है, मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए। लखन अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, मतलब वो यक्षिणी मर्दों के साथ वो सब किया करती थी? जाटव हामी भरते हुए धीरे धीरे कहता है, हाँ वही सब किया करती थी, हर पूर्णिमा अमावस्या की रात, और वो सब करने के बाद उनका दिल निकालकर उन्हें मार दिया करती थी। जैसे ही जाटव ये बात बोलता है, पहले तो लखन कुछ डर सा जाता है, पर कुछ पल बाद ही अपना डर छुपाते हुए वो फिर बोल पड़ता है, अब तू मुझे डरा रहा है ना जाटव? जाटव अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं यार मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, वो यक्षिणी यहीं पर भटका करती थी 2 साल पहले। लखन कुछ बोलता उससे पहले ही चार्ली बोल पड़ता है, जाटव सच बोल रहा है लखन, मैंने खुद उस यक्षिणी ने जिन मर्दों का शिकार किया है उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अपने इन्हीं हाथों से। लखन चार्ली की बात सुन ही रहा था कि तभी जाटव फिर बोल पड़ता है, खूब चर्चे थे उस यक्षिणी के इस इलाके में, क्या तो गजब की दिखती थी वो, सुना है उससे सुंदर कोई औरत नहीं थी, देवियां भी फीकी थी उसके रूप के सामने, अरे वो तो खुद देवी थी पर बस अपने अभिशाप के कारण डायन बन गई थी। लखन हैरानी के साथ पूछता है, अभिशाप, कैसा अभिशाप? चार्ली जवाब देते हुए कहता है, अभिशाप क्या था ये तो हमें नहीं पता, पर सुना है उसके अंदर की हवस शांत हो गई थी इसलिए वो चली गई है। लखन कहता है, हवस शांत हो गई, ऐसे कैसे शांत हो गई, कौन था वो आदमी जिसने यक्षिणी की हवस को मिटा दिया? चार्ली जवाब देता है,
अब वो तो पता नहीं, पर सुना है कई साल पहले एक लेखक बाबू ने उस यक्षिणी की हवस को शांत किया था, पर फिर 13 साल बाद ही वो लौट आई थी और फिर अब वो वापस चली गई है। 2 साल से उसने एक भी मर्द को अपना शिकार नहीं बनाया है, तभी तो हम यहाँ पर इतने चैन से कार्यक्रम कर पा रहे हैं। अगर वो यक्षिणी होती तो इस वक्त हम यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो यक्षिणी किसी मर्द के साथ अपना कार्यक्रम कर रही होती। चार्ली की बात सुनकर जाटव और लखन भी हंसने लग जाते हैं। लखन मायूसी के साथ कहता है, यार उस यक्षिणी की हवस शांत नहीं होनी चाहिए थी। जाटव कहता है, हवस शांत नहीं होनी चाहिए थी पर क्यों भाई? लखन कहता है, क्योंकि उसके अंदर की हवस तो शांत हो गई, पर अब मेरे अंदर की गर्मी को कौन शांत करेगा? जाटव हंसते हुए कहता है, तेरी भी तो मेहरारू है ना घर पर, तो जा उसके पास। लखन कहता है, नहीं यार, तेरी तरह मेरा भी मन नहीं करता मेरी घरवाली के पास जाने का, मैं भी उससे ऊब गया हूँ। चार्ली नशे में कहता है, तुम दोनों अपनी मेहरारू से भले ही ऊब गए हो, पर यक्षिणी से कभी नहीं ऊब पाते। बड़ा ही कामुक बदन था, कहते हैं जो एक बार देख लेता था उसे उसका हो जाता था। कई बार तो कई मर्द ये जानते हुए भी कि यक्षिणी से मिलना अपनी मौत से मिलना है घाट पर गए थे, सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी के साथ वो सब करने के लिए, और जितने भी मर्द गए कभी लौट कर वापस नहीं आ पाए। लखन बोल पड़ता है, मैं भी वापस लौट कर ना आऊं यार, बस एक बार मुझे वो यक्षिणी मिल जाए, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। चार्ली बोल पड़ता है, अब नहीं मिलने वाली, अब तो हम तीनों को अपनी अपनी मेहरारू से ही काम चलाना पड़ेगा। यक्षिणी तो जा चुकी है यहाँ से, वापस उसी जगह जहाँ से वो आई थी, अब उसका यहाँ पर कोई खौफ नहीं है। जाटव कहता है, यक्षिणी का खौफ भले ही ना हो पर मेहरारू का जरूर है, चलो चलते हैं, आधी रात खत्म होने को आई है, अगर सुबह घर पहुंचे तो मेहरारू ये समझेगी कि कार्यक्रम करने नहीं रासलीला रचाने गए थे। चार्ली भी अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, सुना है इतने बजे ही वो यक्षिणी 2 साल पहले मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। लखन भी अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, मैं तो अभी भी खुशी खुशी उस यक्षिणी के हाथों उसका शिकार बन जाऊं, बस एक बार वो मुझे मिल जाए। चार्ली लखन को टोकते हुए कहता है, ऐसा मत बोल लखन, उस यक्षिणी को अब कभी वापस नहीं आना चाहिए, तू नहीं जानता वो क्या बला थी, बड़ी मुश्किल से शांत हुई है, अगर वो होती तो पूरे गांव में से मर्दों का नामो निशान मिट जाता। लखन पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस अपनी जगह पर से उठने लग जाता है। वो तीनों उठते हैं और शांति के साथ बहती हुई किश्नोई नदी को पार करने लग जाते हैं। नदी में बस घुटनों तक पानी था, जिस कारण वो तीनों नशे की हालत में होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से नदी को पार कर पा रहे थे। अभी उन तीनों ने किश्नोई नदी को पार करना शुरू किया ही था कि तभी चार्ली को एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही चार्ली के कानों तक वो आवाज पहुंचती है, वो जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। लखन तुरंत बोल पड़ता है, क्या हुआ चार्ली, तू रुक क्यों गया, तुझे आज तेरी मेहरारू के पास नहीं जाना है क्या? चार्ली कुछ डर के साथ कहता है, तूने आवाज सुनी? लखन मुंह बनाते हुए कहता है, आवाज, कैसी आवाज? चार्ली जवाब देता है, पायल की छन छन की आवाज। लखन हंसते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या चार्ली, यहाँ बीच नदी में तुझे कहाँ पर पायल की आवाज सुनाई देने लग गई? चार्ली कुछ कहता उससे पहले ही जाटव भी कुछ घबराते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, सुनी यार, मैंने भी वो पायल की आवाज सुनी। लखन पहले चार्ली और फिर जाटव दोनों को एकटक देखते रहता है, पर अगले ही पल अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ता है, तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, यक्षिणी के किस्से सुनकर मेरे अंदर डर नहीं बल्कि कुछ और ही जाग गया है, इसलिए मुझे अब डरा रहे हो ना? चार्ली लखन पर दबाव बनाते हुए कहता है, नहीं यार, हम तुझे डरा नहीं रहे बल्कि सच कह रहे हैं, मुझे तो अभी भी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। जाटव कुछ कहने वाला था कि तभी लखन फिर बोल पड़ता है, हाँ अभी तो तुम्हें बस पायल की आवाज सुनाई दे रही है, पर कुछ देर बाद बोलोगे कि हमें तो यक्षिणी भी दिखाई दे रही है, कहोगे कि वो देख यक्षिणी खड़ी है। लखन ने ये बात बोली ही थी कि तभी चार्ली डर के साथ हकलाते हुए कहता है, यक्षिणी, 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 वो यक्षिणी। लखन हंसते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, यक्षिणी दिखाई देने लग जाएगी, इसे यक्षिणी दिखने भी लग गई। जिस तरफ चार्ली ने इशारा किया था उस तरफ जाटव अपनी नजरें करता है तो देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलने लग जाते हैं। वो भी डर के साथ बोल पड़ता है, वो यक्षिणी, यक्षिणी, यक्षिणी। लखन बड़ी बेफिक्री के साथ बोल पड़ता है, अब तुझे भी यक्षिणी दिखाई देने लग गई जाटव, बस यही नाटक बचा हुआ था ना, है ना? चार्ली डर से कांपते हुए हकलाहट के साथ अपने हाथ से इशारे करते हुए कहता है, वहां पर सच में यक्षिणी है, तू एक बार देख तो सही। जिस तरफ चार्ली ने इशारा किया था जब लखन उस तरफ अपनी नजरें करता है तो उसकी भी रूह कांप जाती है, उसके चेहरे पर भी डर नजर आने लग जाता है।
नदी के अंदर ही एक बहुत ही सुंदर लड़की काली साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी और वो सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी, जो उन तीनों की तरफ देखकर ही अपनी कामुक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। यक्षिणी एकटक नजर से उन तीनों की तरफ ही देखे जा रही थी, जैसे वो उन तीनों को अपनी तरफ मोहित कर रही हो। लखन धीरे से बोल पड़ता है, ये सुंदर लड़की तो मुझे यक्षिणी की तरह लग रही है। जिस बदन की तुमने अभी चर्चा करी थी, इसका पूरा बदन उसी तरह मिलता है, एकदम कामुक बदन। इसका मतलब इसे अभी तक अपने अभिशाप से मुक्ति नहीं मिली है, तभी ये यहाँ पर भटक रही है। चार्ली डरते हुए कहता है, चल भागते हैं यहाँ से वरना ये यक्षिणी मार देगी हमें। ये इसी तरह मर्दों को लुभाती है और फिर उन्हें मार देती है। लखन पलट कर कहता है, पागल हो रहा है क्या चार्ली? इतनी सुंदर लड़की सामने खड़ी है और तू भागने की बात कर रहा है। जरा पूछ तो लूं ये इतनी रात में यहाँ पर कर क्या रही है, इसे हमारी मदद की जरूरत हो तो। चार्ली लखन को फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मदद की जरूरत उसे नहीं हमें पड़ेगी जब वो अपने डायन रूप में आएगी। इससे पहले कि वो अपने असली रूप में आए, हम भाग चलते हैं यहाँ से। लखन कहता है, तुझे भागना है तो तू भाग, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला इसे छोड़कर। चार्ली लखन को फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या लखन? भूल मत वो कौन है, तेरे सामने कोई आम लड़की नहीं है, यक्षिणी है, यक्षिणी। चल वरना तू मारा जाएगा। लखन अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, अगर यक्षिणी के साथ संभोग करने के लिए मरना ही है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ चार्ली, आज ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर लखन अपने कदम यक्षिणी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। लखन को देखकर जाटव के अंदर भी हौसला आ जाता है, वो भी यक्षिणी को देखकर पूरी तरह मोहित हो गया था। जाटव भी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए लखन से कहता है, रुक लखन, मैं भी आता हूँ, तू अकेले वो सब करेगा अच्छा लगेगा क्या? मैं भी तो अपनी मेहरारू से उब गया हूँ। चार्ली डरते हुए कहता है, ये तुम दोनों को हो क्या गया है, क्यों अपनी मौत के पास जा रहे हो? चार्ली उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दोनों उसकी जरा भी बात नहीं सुनते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। चार्ली को भी ना चाहते हुए भी उनके पीछे जाना पड़ता है। लखन और जाटव हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं और यक्षिणी के पास आकर रुक जाते हैं। चार्ली भी उनके पीछे पीछे वहां पर आकर रुक जाता है। लखन यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, क्या तुम वही यक्षिणी हो जो मर्दों के साथ संभोग करती हो? यक्षिणी उस आदमी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बस एकटक उसे देखती रहती है। जाटव कहता है, अबे पागल, ये कैसी बात कर रहा है तू? दिख नहीं रहा ये कितनी खूबसूरत है? यही यक्षिणी है, इसके सिवा कोई और यक्षिणी हो ही नहीं सकती है। लखन मादक मुस्कान के साथ यक्षिणी से फिर नशे में बोल पड़ता है, क्या हम तुम्हें छू सकते हैं? यक्षिणी लखन से कुछ कहती तो नहीं, बस अपनी आंखों से इशारा कर देती है और लखन समझ जाता है कि यक्षिणी का क्या जवाब था। जाटो भी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मैं भी छूंगा तुम्हें। वो दोनों यक्षिणी को छूने के लिए एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाते हैं, बस चार्ली डर के मारे पीछे ही खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं करता है। लखन और जाटव कामुकता के साथ जैसे ही यक्षिणी के हाथ को छूते हैं, उन दोनों के हाथ में आग लग जाती है, उन दोनों का हाथ जलने लग जाता है। वो दोनों दर्द से कराहते हुए चीख पड़ते हैं, आग, 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 आग। वो दोनों झट से अपने हाथ नदी के पानी के अंदर डाल लेते हैं। आग तो बुझ चुकी थी, पर उन दोनों का आधा हाथ जल चुका था, जिसके दर्द से वो अभी भी कराह रहे थे। जैसे ही वो दोनों पानी के अंदर से अपने हाथ बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने जो यक्षिणी खड़ी हुई थी वो धुआं धुआं होने लग जाती है और एक ही पल में वहां से गायब हो जाती है, जैसे वहां पर पहले से कुछ हो ही ना। जाटव डरते हुए कहता है, यक्षिणी, यक्षिणी वो कहां पर चली गई? वो यहीं पर तो थी। चार्ली अपने हाथ से इशारा करते हुए डर के साथ कहता है, वो कौन है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।